स्वच्छता सर्वेक्षण मार्च महीने की शुरुआत के साथ शुरू हो चुका है। स्वच्छता सर्वेक्षण प्रतियोगिता में नगर निगम भाग ले रहा है। पिछले वर्ष हुई प्रतियोगिता में पूरे भारत में गोरखपुर नगर निगम 82वें पायदान पर था। पायदान को और सुधार करने की ओर नगर निगम अग्रसर है, जिसके लिए पूरी तैयारियों के साथ नगर निगम जुटा हुआ है। वहीं नगर निगम के लिए इस बार राहत की खबर है कि पब्लिक भी फीडबैक में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभा रही है। पब्लिक फीडबैक देने के आधार पर यूपी में गोरखपुर का इस समय तीसरा स्थान है और 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में गोरखपुर दूसरी पोजीशन पर चल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा ने कहा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021, जैसा कि आप अवगत हैं कि नगर निगम गोरखपुर इसमें भाग ले रहा है, तो उसमें जो भी तैयारी है नगर निगम द्वारा, वो क्या तैयारी की जा रही है, उसमें जो बाहर से टीम आती है, जो थर्ड पार्टी एवोल्यूशन होता है, उसकी टीम संभवतः 20 से 23 मार्च के बीच आने की संभावना है। हम लोग उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं और इसके साथ ही वोट फॉर योर सिटी में जो शहर के लोग हैं उनको अपना प्रतिभाग करना है इस प्रतियोगिता में। तो अभी तक हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में तृतीय स्थान पर हैं और 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में हम लोग दूसरे स्थान पर हैं और हम लोग इसमें और प्रयास कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारे कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट है, उनकी स्थिति हम लोग ने काफ़ी अच्छी कर ली है। उसमें जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें उसमें सब स्थापित कर दी गई हैं और हम लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और हम लोग प्रयास करेंगे कि पिछले साल की जो हमारी 82वीं रैंकिंग थी पूरे भारतवर्ष में, उसमें और अधिक सुधार हो।